हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा आर्य। आपका स्वागत करती हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से महीना भर हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए। मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और मेरी 15-20 दिन हो गए दवाई चलते हुए, तो इसलिए मैं पेट की वीडियो नहीं बना रही हूँ। और मैं आज और शायद कुछ दिन भी मैं वीडियो पेट के ऊपर नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पेट की वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो काफ़ी मेरी बहनों का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आता है कि फेस के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ, फेस को निखारने के लिए कोई वीडियो बनाओ। तो आज मैं फेस के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। काफ़ी मेरी बहनें पूछते हैं कि फेस के ऊपर घर में ही ऐसी कोई रेमेडी बनाओ जो हम फेस को निखार सकते हैं। तो गाइज, मैं आज फेस के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में ही आप किस तरीके से अपने फेस को एकदम निखार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी ही रेमेडीज वीडियो आपके लिए लाते ही रहेंगे। दोस्तों, ये रेमेडीज मैं सबसे पहले मेरे फेस के ऊपर यूज करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जैसे ही आप हमारी वीडियो को पहले वीडियो को सपोर्ट करते थे, ऐसे इन वीडियो को भी सपोर्ट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की जो आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाली चीज़ें आपको किचन में या ये घर में मिल ही जाएगी, ये तीनों चीज़ें। जैसे ये शहद है एक तो, और ये आपको ये मूंगफली लेनी है, जैसे कच्ची हो या पक्की हो मूंगफली, आपको मूंगफली लेनी है। इसको अच्छे से धो लेना है और इसको धोने के बाद में आपको ऐसे रख देना है और इसका फिर जो इसको ऐसे इसका छिलका उतार लेना है और इसके अंदर ये ब्राउन कलर का छिलका ये भी उतार लेना है। और आपको इस तरीके से आपको मूंगफली को छील लेना है। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से छीलना है और अच्छे से छील लेना है और फिर इसके बाद में एक या दो बार अच्छे साफ पानी में धोना है। अगर मिट्टी उट्टी लगी हुई होती है वो साफ़ हो जाती है। तो हम इस तरीके से आपको मूंगफली इस तरीके से छील लेना है। दोस्तों, मैंने ये वाला पैक पहले ही बना लिया है क्योंकि मूँगफली छीलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये मूँगफली छीलने के बाद में इसके अंदर पानी डालना है आपको और इसको 2 या 3 घंटे तक भिगोना है। भिगोने के बाद में क्या करना है आपको, इसको जार एक जार लेना है जिसमें आपने मसाला नहीं पीसा हो, वो जार लेना है। अगर आप मिर्ची वाला जार ले लोगे तो आपके मुँह के ऊपर जलन भी हो सकती है। तो आप सोचोगे कि ये वाला पैक लगाने के बाद मेरे को जलन हुई है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वैसा एकदम साफ़ वाला जार लेना है और उसके अंदर ये मूंगफली डाल के और उसके अंदर कच्चा दूध डाल के इसको एकदम मिक्स कर लेना है, अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो गाइज, मैंने ये वाला पैक पहले ही बना लिया है। तो मिक्स भी इस तरीके से करना है, नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा हो, नहीं ज़्यादा पतला हो। अगर पतला होगा तो आपकेगा आपके ऊपर नहीं लगेगा, तो आपको एकदम सही करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने ये वाला पैक पहले ही बना लिया है। दोस्तों, आपको इस तरीके से पीसना है, ऐसे पीसना है कि आपका ऐसे इस तरीके से पैक बन जाए। तो आपको इसके में अंदर डालना है शहद। तो शहद की भी आपको 1 चम्मच डालनी है इसमें। और मेरे पास ये प्योर शहद है, मैंने छत्ते से तोड़वाया था इसे, तो ये एकदम प्योर शहद है थोड़ा हुआ। और आपको इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मेरा पैक बन के रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक को आपको किस तरीके से चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके सर्दी का मौसम है, आप अपने चेहरे के ऊपर डस्ट वगैरह भी जम जाते हैं, मिट्टी वगैरह भी जम जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गुनगुने पानी से आपको अपने चेहरे को धो लेना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको, अगर आपने मेकअप कर रखा है तो मेकअप को निकाल दे, नहीं तो आप उसके ऊपर ये वाला पैक लगाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। तो आपको इस तरीके से एक ब्रश लेना है, उससे आपको इस तरीके से पूरे चेहरे के ऊपर लगा लेना है।
बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने वीडियो में आपको सारी बातें बताई है कि किस किन तरीकों से इस रेमेडी को बनाना है, किन 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 चीज़ों से बनाना है, तो मैंने सारी बता दी है। तो और कितनी मात्रा में आपको कौन सी चीज़ लेनी है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को अच्छा प्यार देना, रिस्पॉन्स देना। और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, लाइक करना भूल जाते हो, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करो। जैसे ही आप इस वाले पैक को अपने चेहरे के ऊपर लगाओगे तो आप चेहरा धोने के बाद में आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा कि आपके चेहरे के ऊपर कितना अच्छा ग्लो है। तो ये वाली वीडियो मैं शाम को शूट कर रही हूँ, शाम के 6:30 बज चुके हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है, तो आपको अच्छे से एकदम साफ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे कमरे में लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और अब मेरी पेमेंट आएगी आगे, तो मैं सबसे पहले मेरी लाइट की व्यवस्था करूँगी क्योंकि मेरे कमरे में लाइट बहुत कम है और अच्छे से वीडियो नहीं बन पाती है। तो आप लोग मेरा अच्छा सपोर्ट करो, अच्छा रिस्पॉन्स दो मेरी वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस पैक को मेरे चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चेहरे का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा है, मैंने अच्छे से पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस पैक को लगाने के बाद में हमें 15 या 20 मिनट तक इस पैक को लगाए रखना है। तो आपसे मैं 15 से 20 मिनट के बाद में मिलती हूँ। तो दोस्तों इस पैक को लगे हुए मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब इस पैक को उतार लेते हैं। जिस चम्मच से हमने इस पैक को बनाया था, अच्छे से मिक्स किया था, उसी चम्मच से आपको इस पैक को अच्छे से उतार लेना है, पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे से उतार लेना है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आपके चेहरे के ऊपर दूध सूट नहीं करता है तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं, और अगर मलाई भी सूट नहीं करती है तो आप कोई सा भी तेल लेके उसमें आधी चम्मच या आधी से थोड़ी कम चम्मच उसमें डाल सकते हैं, उस पैक को बना के आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मूंगफली का दाना ज़्यादा पीस लिया और वो अपने चेहरे के ऊपर से लगाने के बाद में आपके पास बच गया तो आप उसको फेंकना नहीं, आपको क्या करना है उस पैक को किसी बर्तन में डाल के और आपको फ्रिज के अंदर रख देना है। तो आप इस पैक को बाहर ना रखें क्योंकि बाहर रखने से इसके अंदर कीड़े पड़ सकते हैं, तो आपको ये पैक फ्रिज के अंदर ही रखना है। और आपको जब भी चेहरे के ऊपर लगाना है तो आप इसको निकाल के और जैसे मैंने बताया आपको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप इस पैक को आप हफ्ते में भी लगा सकते हैं या आप रोज़ लगाओ तो आप 5 से 10 मिनट तक लगा सकते हैं। और इस पैक को रोज़ लगाओगे तो आपको क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको आपका चेहरा एकदम शीशे की तरह चमकेगा। और जिस दिन आप इस पैक को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि भाई अब मेरा चेहरा एकदम शीशे की तरह चमक रहा है, तो आपको क्रीम व्रीम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको पैक को लगाने के बाद में। तो उस पैक को उतारने के बाद में आपको सूती एकदम साफ़ कपड़ा लेना है और उससे क्या करना है, आपको एक अपने मुँह को एकदम साफ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मेरा चेहरा एक बार पैक लगाने के बाद में ही एकदम चमक रहा है। तो आप इस पैक को चेहरे के साथ साथ शरीर के कहीं पे भी लगा सकते हैं और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके चेहरे के ऊपर निखार आया या नहीं आया। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।